जो जब तक और वृद्धारी है उनको यही सुख कार्य है, और मौन रह के भी सदा सच्चा दिखाए रास्ता, फलीभूत है उनकी तपस्या जिनको है ये। हम सब भगवान की शरणागति में है, भगवान हमें अनेक अनेक फल देते हैं, जो हम यत्न से मांगते हैं वो सब फल हमें प्राप्त होते हैं। अब हम सभी ऐसे धर्म में पैदा हुए हैं जो ईश्वर का धर्म है और वो सत्य मार्ग है। हमारे माता पिता ने किसी भी धर्म को अपनाया, वो जिस धर्म में पैदा हुए उत्पन्न हुए उस धर्म को हम श्रेष्ठ इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे माता पिता का जन्म उसमें हुआ है और फिर हमारा जन्म उसमें हुआ है। कोई कुल संसार में ऐसा नहीं है जिसको तारने के लिए भगवान ने उस कुल में कोई ना कोई ऐसा जीव उत्पन्न ना किया हो जिसमें भगवान वाले गुण ना उत्पन्न हो। क्यों? क्योंकि भगवान की हम श्रेष्ठ कृति हैं, हम मानव कहलाते हैं इस पृथ्वी लोक पर, और ये योनि 84 लाख योनियों में से एक को मिलती है। 84 लाख योनियां जब हम पार कर लें, उन योनियों में भी बहुत सारी योनियां आती हैं और वो इस भूचर पर जल में, वायु में, आकाश में और सुतल वितल पाताल आदि में, इन सभी लोकों में वो सारी योनियां गमन करती रहती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं लेकिन जो श्रेष्ठ है कर्म योनि है वो केवल मानव की योनि ही है। आगे हो जाओ आगे, अरे आने देना हो क्यों बहस का अंत। भक्त इस पृथ्वी लोक पर आए हैं, सबने अपनी उत्तमता दिखलाई है, अपने भगवान के नाम को सबने सिद्ध करके दिखलाया है कि नहीं है, दिखलाया है कि नहीं दिखलाया। आगे आगे हो जाओ, सट जाओ एक दूसरे से भाई, सट जाओ। वो लाइन जो है ना पीछे से ऐसे हो जाए, वो पहले वाली लाइन है। आपका आदर है लेकिन मैं इस धाम में 1 बजे तक रहने वाला हूँ, लेकिन उसे 1 बजे तक आज हम पूरे संसार को, विश्व भर को एक चीज दिखा देंगे कि मनु भैया जो यज्ञ करते हैं वो व्यर्थ है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ कि आप लोग जब आए हैं ना तो अपना काम कराने के लिए नहीं आए हैं, आप लोगों को इतनी जल्दी होती है भागने की, जल्दी होती है या तो आने की जल्दी होती है घर से, मनु भैया का जैसा चेहरा ही देखने आए थे और तो कुछ नहीं, ठीक है ना। इसलिए मुझे मुंह दिखाई लेनी पड़ेगी ताकि आप मुंह दिखाई लेके देखे और बहुत देर तक कई कई घंटों तक मेरे पास बैठ सको, है ना। तो बहुत सारे ऋषि मुनि आए, उन्होंने यज्ञ की प्रक्रिया अपनाई और उस यज्ञ के जरिए उन्होंने भगवत मुख को, जो हमें हमारे सबके उदर की पूर्ति करता है, उनके भोग का भी पता लगा लिया। ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म से सूक्ष्म, गहन से गहन प्रणाली निकाल ली कि हम भगवान को मंत्र जप के जरिए और भोग देकर स्वाहा कहके हम यज्ञ की जो भूमि है, जो वेदों में लिखित है ना, जो वेदों में उच्चरित है, वेदों में जिसकी व्याख्या है, और उस यज्ञ भूमि में हम भगवान के नाम को, भगवान को भी हम कुछ अपने हाथ से खिला सकते हैं और उसका प्रतिकार भी कर सकते हैं, यानी कि उसका बदला भी ले सकते हैं भगवान से कि प्रभु इसके बदले हमें ये दे दीजिए, कुछ प्रदान कर दीजिए, ठीक है ना। तो उस प्रदान करने की भूमि को मनु भैया ने पका दिया है और इतना पका दिया है कि आपके कष्ट भगवान हरेंगे ही हरेंगे। आपको पता है पिछले 1 हफ्ते से हमारी रिसर्च क्या चल रही है, ये रिसर्च चल रही है कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें आप लोगों की जा रही है। देखो सबका एक दिन में यज्ञ हो नहीं सकता, ये बात आप जानते हैं रोजाना की जो आने वाली भीड़ है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम इतने लोग तैयार कर देंगे कि वो जब भी भोग देंगे आपका तो आपको लाभ होंगे ही होंगे। सृष्टि पर बहुत सारे ऋषि आए हैं, मुनि आए हैं, तपस्वी भी आए हैं, सिद्ध भी आए हैं, भक्तगण भी आए हैं, चारणगण भी आए हैं, तो लेकिन उन्होंने यज्ञ तो बहुत किए हैं, लेकिन यज्ञ की महिमा भी ऋषि मुनियों ने बहुत दिखाई और हमारे ग्रंथों में यज्ञ की महिमा बहुत ज्यादा है। भगवान को भी यज्ञ से प्रकट किया, भगवान राम स्वयं जो है यज्ञ से प्रकट हुए हैं, तो यज्ञ की मर्यादाएं भी हैं और यज्ञ करने का फल भी है, लेकिन वो फल तुरंत के तुरंत ले लेना, कल हम किसी
माता जी का यज्ञ कर रहे थे, उसको बहुत ज्यादा खांसी थी, श्वास था, यहाँ तक कि वो मरने को हो रही थी, लेकिन कुछ काल बाद यानी कि अगले 5 मिनट बाद उसकी खांसी शांत हुई और जब वो यहाँ से गई तो सरदार जी ने उनके पैर दबा के भेजा था। सरदार जी ने भी माता जी की सेवा की थी, तब यहाँ से गई तो वो हुआ। आगे हम सभी रोगों के लिए यज्ञ करेंगे, लेकिन ये जगह छोटी है, ये भूमि छोटी है, तो जहाँ हमारा आगे आश्रम बन रहा है, हमने वहाँ निर्णय किया हुआ है कि सोमवार के दिन श्वसन रोगियों के लिए यज्ञ होगा, वीरवार के दिन, शुक्रवार के दिन हृदय रोगियों के लिए यज्ञ होगा, और वीरवार के दिन जिनको रक्त संबंधी परेशानियां हैं उनके लिए यज्ञ होगा, मंगलवार के दिन जिनको हड्डी संबंधी, चोट संबंधी परेशानियां हैं, फोड़े फुंसी संबंधी परेशानियां हैं, खुजली संबंधी परेशानियां हैं, उनके लिए यज्ञ होगा, और बुधवार के दिन उनके लिए यज्ञ होगा जिनको बौद्धिक बंधन लगे हुए हैं, व्यापारिक बंधन लगे हुए हैं। आ गया समझ में? शनिवार के दिन उनको उनके लिए यज्ञ होगा जिन पर तंत्र मंत्र यंत्र की क्रियाएं की हुई है, उन तांत्रिकों के लिए सीधा मारण होगा और आपको करके दिखाया जाएगा बकायदा कि हम तांत्रिकों की शक्ति कैसे मंगाते हैं और उनको कैसे इस जहान में इतनी सिद्धि पाते हुए भी नीचा देखना पड़ता है मनु भैया के द्वारा। और रविवार के दिन मनु भैया छुट्टी करेंगे, घूमने जाया करेंगे, आप सबको सिखाया करेंगे। क्या किया करेंगे? सिखाया करेंगे आप सबके बच्चों को। वो घूमने जाया करेंगे वो तो झूठ बात है, वो हो ही नहीं सकता मेरे जीवन में, है ना? मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? हाँ, अरे इनको भी दिखा दो, ये भी मान लेंगे। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? तो घूमने जाने वाली बात तो दुष्कर है, ठीक है कि नहीं? बीच में कई बार पीड़ा भी होती है। अभी पीछे एक मित्र के पिता चले गए थे तो मैं उनकी 13वीं वाले दिन तक भी नहीं जा पाया था। ये देखिए 13वीं वाले दिन यहाँ संडे था, इतनी भीड़ लगी हुई थी कि उस भीड़ का कोई पारावार ही नहीं था। तो जय शनिदेव भक्तों। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा देख कितने लोग रहे। अच्छा ये न्यू चैनल है, इसमें बहुत कम है, इसमें कितने लोग देख रहे हैं? संसार का ऐसा यज्ञ जो आपके कष्ट को हर ले, आपके दर्दों को हर ले, आपकी पीड़ा को हर ले, वो करने जा रहे हैं, वो अभी जरा सी देर में बाहर होगा, ठीक है? उसका फल आपको देखने में आएगा, कई बार देखने में नहीं आएगा, कल सवेरे तक देखने में आएगा, कल सवेरे तक भी देखने में नहीं आएगा तो भी आपके घर की चीजें जाएंगी ही जाएंगी। भूचरा, खेचरा, क्लिष्टा, कुष्मान, डाकनी, शाकनी, हाकनी और जितने भी राक्षस आदि, ज्वर आदि, ताप आदि, कष्ट आदि, रोग आदि जितने भी हैं, उन सब का शमन आपके घर से होगा ही होगा। लेकिन आपको अपने से जुड़ना होगा, आपको आप अपने से जुड़िए। आपकी चीजों को नष्ट करने वाले भगवान है शनिदेव महाराज है, ये शनिधाम है प्यारो, यहाँ पर आपके कष्टों का मर्दन होगा ही होगा, लिख के दे देता हूं। अगर किसी में योग्यता है पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में, तो ये लिख के दे देता हूं कि आज के जैसा यज्ञ आज तक किसी ने किया ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे सामने लास्ट नंबर कितना है दूसरी बार वालों का बताइए जरा। हाँ 40 नहीं है, ज्यादा होगा। सफेद पर्ची का जो अभी अभी आया है कितना नंबर है? सोनी अभी आया। 50 नंबर किसका है? 50। ये तो ये पहली बार आया नहीं, ये पहली बार वाले की। तो मैं बता देता हूँ कि आप सब लोग गवाह हैं कि आप सब लोगों के कष्ट, दर्द और घर के प्रेत यहीं आएंगे। आप सबके ऊपर जो तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया गई की गई है वो यहीं आएगी। और इतने लोगों का एक साथ यज्ञ में आज तक कभी भी किसी ने यजन पूजन भजन नहीं किया है। किसी ने अपने यज्ञ देवता को, अपने भगवान को, अपने इष्ट देवता को इतने लोगों का काम कभी भी नहीं सौंपा है। ये विश्व का ऐसा यज्ञ है जो संसार का इकलौता एकमात्र है। और अभी ऐसे ऐसे यज्ञ मनु भैया करने वाले हैं जिसमें सवेरे से लेकर शाम तक एक ही बार 200 लोगों का काम किया जाएगा और शाम तक उसमें आहुति दी जाएगी और शाम तक उन 200 लोगों के दर्दों में, कष्टों में, भार में बिल्कुल आराम पड़ चुका होगा, ठीक है? तो आप लोगों को
इस भूमि पर आकर, इस धरा भूमि पर आकर बड़ा क्लेश आदि झेलना पड़ा है, जो भक्तों के लिए असहनीय है, और इस तरह महात्माओं के लिए भी वो असहनीय होना चाहिए, जिससे उन महात्माओं को ये शोभा मिले कि आपको इन सब लोगों का ये कार्य करना है, इन सब के क्लेश आदि दूर करने हैं, ना कि कथाएं सुनानी है। क्या नहीं सुनाना है, बताना भी नहीं है, बताना भी नहीं है, बताने से भी काम नहीं चलेगा। बताने से आपका कष्ट बढ़ सकता है, बताने से आपके मन में उग्रता व्यग्रता बढ़ सकती है, बताने से आपके मन में क्लेश बढ़ सकता है। क्लेश कैसे पैदा होगा, जैसे मैं ये बता दूं कि आपके भाई ने आपके ऊपर क्रिया कराई है, तो क्लेश बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बताइए मेरे को। मैं ये बता दूं कि आपकी भाभी ने आप पे क्रिया कराई है, मैं किसी स्त्री को ये बता दूं आपकी ननंद ने आपके ऊपर क्रिया कराई है, मैं किसी की स्त्री को ये बता दूं कि आपकी जिठानी ने आपके ऊपर ये क्रिया कराई है, आपके आने वाले समय जिसमें आप भगवान का उतना नाम लेने वाले थे, उसमें जिठानी का ही नाम लेते रहोगे। आया ना समझ में? और क्या कहोगे, कमीनी ने मुझ पे बड़ी कराई, मैं तो उसका भला चाहती थी, वो तो कुछ और निकले। हाँ, मैं तो उसका भला चाहती थी, वो तो कुछ और निकले। पूछना जरूर चाहिए, पूछना इसलिए चाहिए कि भाई मेरी कुछ उन्नति हुई है कि नहीं, या मनु भैया ने जो यज्ञ किया है उसका कुछ भार आया है नहीं सामने, उसका फल हमें मान लिया देखने में नहीं आ रहा। कई बार किसी आदमी को 100 प्रेत है, और आज मैंने यज्ञ किया, भगवान ने उसके 5 प्रेत काट दिए 100 में से, पीछे आना बाकी रहने वाला भी तो बताने वाला होना चाहिए कि भाई पीछे आना बाकी है, अभी आए जा भाई, 30% क्रिया कट गई है, अभी आए जा भाई, 50% 80% कट गई है, अभी आए जा। ऐसा तो कभी किसी धाम में हुआ नहीं, लेकिन बताने वाला किस लिए चाहिए ये आपके समझ में आ गया हो। इसलिए नहीं चाहिए कि आपको ये बता दे कि आपकी चाची ने क्रिया की है, और आप व्यग्र उग्र हो जाए, और पता चले उसको मारने के लिए, उससे लड़ने के लिए परेशान हो जाए। मैंने किसी फौजी भाई को ये बता दिया कि तेरी बेटी पे इस आदमी ने क्रिया की है, उस बेटी का नाभि से नीचे का हिस्सा स्थिर हो गया, डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा था, 4th दिन वो घर पे लेके आए, मैंने उसके लिए जाप किया, मैंने उनको बता दिया, 1 महीने बाद उनकी उनके घर जाके लड़ाई हो गई, उन्होंने भी अवसर पाया, जब वो लड़की यहाँ से ससुराल से अपने घर गई तो वे दीवार फांदे और उन्होंने 4 आदमियों के उनके घर वालों के सिर फोड़ दिए। उस दिन के बाद से मनु भैया ने बताना बंद कर दिया, है ना। और धाम में भी जितने लोग हैं, स्वरूप बता दो, आकार बता दो, कई बार कोई मजबूरी है तो, वरना तो हम पसंद नहीं करते बताना, क्योंकि बताने से आपके क्लेश बढ़ जाते हैं। क्या हो जाता है, मन में उद्विग्नता हो जाती है, और मन में एक कष्ट पैदा हो जाता है कि जिन लोगों को हमने, जिनको इतना प्यार किया, जिनको इतना प्रेम दिया, जो हमारे अपने कहलाते हैं, उन्होंने हमें तीखे बाण हमारे हृदय में वेदना के घुसा दिए, कष्ट के घुसा दिए, है कि नहीं है। तो हमने ये काम करना ही नहीं है आगे, लेकिन हम आज इस धरा पर, इस भूमि पर, इस भारतवर्ष की भूमि पर शनिवार के दिन ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं कि जिसमें जो लोग मेरे सामने बैठे हैं उनके कष्ट क्लेश खत्म हो जाए, उनके दोष खत्म हो जाए, उनके पाप ग्रह और सभी प्रकार के बंधन क्लेश आदि उनके घर से सदा के लिए चले जाए, उनके प्रेत प्रेताधिक पितराधिक जो बंधन में है वे सदा के लिए कष्टहीन होकर, स्वच्छंद होकर, मूल रूप से शांति को प्राप्त हो। बोलिए जय शनिदेव। ये वही पितरों का कार्य है, मनु भैया जिसको बहुत ही कम खर्चे में आपके करते हैं। जब आप बाहर कहीं जाते हैं तो कोई 51,000 लेता है, तो कोई 1,00,000 लेता है, मैं आप लोगों को हर तरह से बचा रहा हूं। ये मात्र सेवा भी मंदिर की भूमि और मंदिर निर्माण के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है, ये भी आप देना चाह रहे हैं। और इतना तो भार आप पे हो गई, इतना तो इन चीजों का भार आप पे हो गई कि आप पैसे लगा लगा छिक लिए। जब मेरे पास आते हैं तो कहते हैं 15,00,000 लगाए, 1,50,000 लगाए, 2,00,000 लगाए, 5,00,000 लगाए, इतना भार तो आप झेल ही सकते हो जब आपने इतना दिया। मेरे बस की वो काम तो है नहीं जो करौली कानपुर में बैठ के गुंडा कर रहा है कि आदमी को वहां तक निचोड़ लेता है, जैसे एक किसान कर्ज के जाल में फंस के आखिरकार मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी तरह आदमी एक बार वहां गेट में घुस जाए तो जब तक बाहर नहीं आता, जब तक उसके जीवन की मूल पूंजी समस्त सभी प्रकार से उसके घर में ना घुस जाए, ठीक है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े वे लोग जो रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, अगर आपकी सुरक्षा आपके किसके जिम्मे है, इष्ट के जिम्मे है, उसने आपसे काम कराना है रख लेगा, काम नहीं कराना है मार देगा, काम खत्म। दो ही तो काम होते हैं, बताइए होते हैं कि नहीं।
भाई आपके इष्ट पे जिम्मेवारी है आपकी रक्षा करना, नहीं करता मनमानी उसकी। आपने तो शरण ग्रहण की ना, अधमो को नाथ उबार ना, तुम्हें याद हो कि ना, याद हो दुष्ट खल जनों को उतारना, तुम्हें याद हो कि ना। जब शरणागति ले लेते हो तो फिर डर कहेगा भाई, डर कहेगा। भगवान के भक्तों को नजदीक रहना चाहिए उन लोगों के जिनको उसमें भक्ति सिखानी है, जिनके मन से उसने पापाचार को निकालना है, उन कष्टों को शरीर से निकालना है जिनको वो झेल रहे हैं, ताकि वो भगवान की विशुद्ध भक्ति में डूब जाए और जाप करे। बोलिए मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम। बोलिए जय शनिदेव। तो अब ये सारे दूसरी बार वाले लोग अपनी सामग्री लेके बाहर चलेंगे, कुर्सियों पे बैठेंगे और अपना हवन एक साथ करेंगे। मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज की छुट्टी थी, लेकिन आज का यज्ञ ऐसा करने की कोशिश करूंगा जिसमें आप सबको सर्वविजित लाभ हो और वो लाभ आपके देखने में आए, वो कष्ट आपके शरीर से जाए। और मैं अपने इष्ट से पुकार करूंगा कि वह आपके भोग को ग्रहण करे, हम सब मिलकर पुकार करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें और एक ऐसा विशिष्ट यज्ञ करें जिसमें हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं जो मानव शरीर से जुड़ी हुई है वो पूर्ति हो, और उस यज्ञ में भगवान साक्षात आकर अपना भोग लेकर हम सबको प्राणपन से लाभ दे और उनकी भगवत्ता सार्थक हो। बोलिए जय शनिदेव। एक एक करके बाहर जाएंगे, ये याद रखना, कोई विशिष्ट ये ना सोचे, क्या कहते हैं कि मैंने मनु भैया जी के पैर छूने हैं, आपने आदर सहित हाथ जोड़ के बाहर चले जाना है, जिसको जब जाना हो दीप दान कर जाना है। समय अगर किसी के पास कम है तो मैं कोशिश करूंगा, वरना इन सब लोगों को जो अंदर धाम में बैठे हैं इन सब लोगों को तब तक बैठाने की जब तक आपकी सामग्री उसमें नहीं जलती है या डलती है। और मैं खुद अपने हाथ से सामग्री डालने की भरपूर कोशिश करूंगा, सार्थक प्रयास करूंगा कि मैं आपका हवन खुद अपने हाथ से डाल सकूं, क्योंकि जो बहन जी ये सामग्री का पैकेट देंगे तो जितना मैं आपका जब यहाँ सर पे हाथ रख के करता हूँ उतना ही जब इसमें भी इसके माध्यम से होगा ही होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों से मैं इजाजत भी चाहूंगा क्योंकि मुझे 1 बजे तकरीबन यहाँ से निकल जाना है। बोलिए जय शनिदेव। एक साथ ही सबका हवन चालू होगा, चले जाइए बाहर बैठिए।